वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पैरेदार चैनल देख रहे दर्शकों का मैं रीना रत्तू स्वागत करती हाँ। हाजिर हाँ थोड़े लिए अज का मुद्दा प्रोग्राम लैके साड़ा अज का मुद्दा है पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नू श्री दरबार साहिब के अरदासिये सिंह बलवीर सिंह फ्रांस ने सरोपा देन तो इनकार कर दिता। साड़ा अज का मुद्दा इस संबंधी साढ़े नाल स्टूडियो मौजूद ने पैरेदार के मुख संपादक सरदार जसपाल सिंह हेरा जी। वीर जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अरदासिये सिंह वल्लों पंजाब दे मुख मंत्री नूं सरोपा देण तों इनकार कर देण नूं तुसीं किस नज़रिए नाल देखते हो? क्योंकि मैं ये जिहड़ी घटना कल श्री दरबार साहिब च वापरी आ मैं तां इह मंनदा कि इह तां इक कुदरत दा करिश्मा है जी। सच दी जिहड़ी ताकत है जिहड़ी जमीर जिंदी जागदी का सबूत है ये सबूत कई बार कुदरत दे करिश्मे दे रूप च सामने आउंदा। हाँ जी। सो पंजाब दे मुख्यमंत्री नू अरदासिये सिंह बलवीर सिंह वल्लों सरोपा देण तों इनकार करना जी। मतलब उन्हें अरदासिये सिंह ने मतलब ये गल नू मतलब इस गल ते मोहर लाती कि वो प्रकाश सिंह बादल नूं सिख प्रवान नहीं करदा जी। सो जिस व्यक्ति नूं वो सिख प्रवान नहीं करदा उस व्यक्ति नूं गुरु दी बख्शिश सरूपा वो किवें दे सकदा? हाँ जी। सो ये मतलब जिहड़ी मैं गल कीती है कि अरदासिये सिंह दी जिहड़ी जमीर उहदी जिहड़ी अणख उहदी जिहड़ी गैरत उहदा जिहड़ा सिक्खी प्रति भावना उहदा सिक्खी प्रति जज्बा है उन्हें वाला खादा जी। उस जज्बे के अधीन उस व्यक्ति ने समय की सरकार की परवाह नहीं की। हाँ जी। अपने आक्या ने हम श्रोमणी कमेटी का मुलाजम है जी उन्होंने पता है उन्होंने इस गल का ज्ञान सी कि मैं जिमें ही ये जवाब देना इनू सौंपा देने तो मेरे सिर मुसीबत का पहाड़ है जोड़ा टुट पैना। बिल्कुल। परंतु उन्हें जी आत्मा की आवाज़ से जी जमीर की आवाज़ से उन्होंने सुनिया बाकी सारे कुछ परे थकता जो कुछ होगा जो कुछ वापरूगा देखी जाऊगी मतलब उन्हें एक फैसला ले लिया दृढ़ता के फैसला ले लिया। सो इस घटना मैं तो यही समझदा कि कुदरत ने एक बादलों फिर द्वारा करिश्मा चलाया कि जिहड़ा व्यक्ति गुरु तो बेमुख हो जाता जिहड़ा व्यक्ति कौम पिट दे जाता फिर उहदा ना तो गुरु नाल कोई संबंध रहिंदा ते ना उहदा कौम नाल कोई संबंध रहिंदा। सो ये जिहड़ी उहनूं बादल नूं सरोपा देण तों इनकार होया ये सिर्फ ते सिर्फ इस गल ते मोहर लगी आ कि अज कौम उहनूं बतौर सिख प्रवान करन लई भी तैयार नहीं। सो ये बादल के इस घटना नूं कुदरत दे इस करिश्मे नूं कुदरत दे इस सबक नूं किवें लैंदे ने ये तो भावें साफ ही हो गया कि उन्होंने जोड़ा अरदासिये सिंह का उस वे तबादला कराता तब्दीली कराती उदो साफ हो गया कि हाले उन्होंने मन के ना गुरु का खौफ है ना कौम का खौफ है तो ना उन्होंने मन के सच का खौफ है वो अजे अपने सत्ता के हंकार सत्ता दे जड़ा उन्हां दी हैंकड़ आ उहदे च पूरी तरह अन्ने बोले हुए हुए ने इस करके उन्होंने होर ना कुछ दिखाई दिंदा ना कुछ सुनाई दिंदा। सरोपा देण तों कीते इनकार तों बाद अरदासिये सिंह दी पलक झपकण तों पहलां ही बदली कर दित्ती तुसीं कीहड़ी टिप्पणी करते हो? देखो मैं गल जिहड़ी मैं पहलां भी कीती आ उही आ कि बादलां दी जिहड़ी ऐनक आ उह सत्ता दी हैंकड़ आ सत्ता दा हंकार आ सत्ता दी होमे आ इस करके उहनां नूं मतलब सामने सच नूं भी देख के वह सच नूं प्रवान करन लई तैयार नहीं। हाँ जी। अरदासिये सिंह ने सरोपा देण तों इनकार किया उहदी तुरंत बदली कर दित्ती आ हुण इह वी खबरां ने कि वह उहनां नूं माछीवाड़ा साहब बदली कीती सी ते माछीवाड़ा साहब भी उहनां नूं जॉइन नहीं कराया गया जी। सो ये एक सत्ता का हंकार है जिहड़ा उहदा प्रगटावा किया हालांकि उस अरदासिये सिंह ने अपनी ड्यूटी आ जिहड़ी वह बखूबी निभाई आ। हाँ जी। उन्हें गुरु का प्रसाद है जिहड़ा पतासे दे रूप च बादल नूं दिता। हाँ जी। परंतु सरोपा है जिहड़ा ये सरोपे की एक अपनी महानता है कि सरोपा है जिहड़ा उस व्यक्ति नूं दिता जांदा जिहदी कौम प्रति कोई देण जी।
उस देण ते मोहर लाउण दे लई उस सेवा ते मोहर लाउण दे लई उस व्यक्ति नूं सरोपा दिता जांदा गुरु की बख्शिश है जिहड़ी उहनूं दित्ती जांदी आ कि इस व्यक्ति ते गुरु की बख्शिश है ये कौम की सेवा कर रहा। सो अरदासी सिंह ने बड़े साफ ते स्पष्ट शब्दों के विच ये कहा कि बादल क्या ने जो पिछले समय के विच एक जून तो लैके अज तक पंजाब की धरती से वखो वखरे थावां ते गुरु साहब की गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी की निरंतर बेअदबी होंदी रही है, परंतु एक साल के पीरियड के दरम्यान पंजाब सरकार बादल के जां श्रोमणी कमेटी ये ना तो दुष्ट दोषियों नूं लभ सके आ ना दुष्ट उन्हां ताकतां नूं जिन्हां दे इशारे ते निरंतर बेअदबी दीआं घटनावां वापरदीआं सी उन्हां नूं लभ सके आ ना उन्हां पुलिस वालिआं ते जिन्हां ने मतलब शांतमई धरना दे रहीआं सिख संगतां ते गोली चला के दो सिंघां नूं शहीद कीता सी ना उन्हां ते हुण तक केस दर्ज होया। सो उस व्यक्ति ने बलबीर सिंह ने कहा कि मेरे मन दे विच उस गल नूं लै के जिहड़ी गुरु साहिब दी निरंतर बेअदबी हुई आ उस नूं लै के रोस है। सो उस रोस दा मैं प्रगटावा करदा, ये मैनूं मतलब मेरे एक तरह गुरु का हुक्म है कि जिहड़ा व्यक्ति इस गल दे योग नहीं है कि वह गुरु साहब की क्योंकि गुरु मतलब कौम ने उन्होंने पदवी दी है एक जिम्मेवारी दी है मुख्यमंत्री का पंजवीं बार उन्होंने अहुदा दिता उसके बावजूद वह व्यक्ति जिहड़ा गुरु साहब की बेअदबी रोकने तो समर्थ रहा। सो उस व्यक्ति नूं मैं सिख मनण लई तैयार नहीं है, इस करके उन्हें बादल नूं सरोपा देने तो इनकार कर दिता, प्रसाद देने तो इनकार नहीं किया। सो इस करके मैं समझदा कि जे श्रोमणी कमेटी ने उहदी पहला दा जिहड़ा उहदा तबादला किया वह गलत है, पूरी तरह गैर विधान है क्योंकि उन्हें अपनी ड्यूटी निभाई है, ड्यूटी तो कोताही नहीं की, उन्हें अपनी ड्यूटी निभाई है जिहड़ी उहदी सही ड्यूटी बनती है। अरदासी सिंह की जिहड़ी सही ड्यूटी बनती है कि वह सिख का माण कर सकता, सिख का सन्मान कर सकता, गैर सिख का नहीं। सो उन्हें उन्होंने बाखूबी निभाया। तो दूजी गल जिहड़ी उहदी बरतरफी जे की गई है जे उन्होंने बर्खास्त किया गया जिवें खबरां आ रही ने कि उन्होंने माछी बड़े भी ज्वाइन नहीं किया, ये भी पूरी तरह गैर विधानक है कि जिस व्यक्ति ने अपनी ड्यूटी नाल कोई कोताही नहीं की फिर उन्हूं किहड़े किहड़े निजमाधीन केड़ी केड़ी मतलब जिहड़े नौकरी अक्सर नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी एक संस्था है, संस्था के अपने निजम होंदे ने जिहड़े उत्थे मुलाजम काम करदे ने उन्हां लई भी निजम ने, उन्हां दी नौकरी लई भी निजम ने, किहड़े निजमां दे अधीन उन्हूं बरतरफ किया गया। सो ये बिल्कुल मतलब जे किया गया तो बिल्कुल गलत आ। जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा की आवाज़ नूं सुनिया, जिस व्यक्ति ने सिक्खी सिधांतां दी पहरेदारी की आ, जिस व्यक्ति ने श्री दरबार साहब की महानता की राखी की आ, उस व्यक्ति नूं यह कहना कि उन्हें ड्यूटी च कताही वरती आ, मैं कहना मैं समझदा कि सब तो वड्डी श्रोमणी कमेटी की कताही आ, जिहड़े व्यक्तियां ने उन्हें एक कताही दे दोष च बरतरफ किया जां बरखास्त किया, असल में बरखास्त उन्हां दी होनी चाहीदी है। इस घटना नूं तुसीं बादल नूं दित्ते गए फखरे कौम ते पंथ रत्न अवार्ड दे नाल जोड़ के किवें देखते हो? देखो मैं पहला तो यह आ कि जिहड़ा बादल नूं फखरे कौम जां पंथ रत्न अवार्ड दिता गया सी उन्हां जथेदारां वल्लों दित्ता गया सी जिहड़े श्रोमणी कमेटी दे तनखाहदार मुलाजम ने, श्रोमणी कमेटी दे हुकम नूं पूरा बजाउण दे पाबंद ने जी। तो श्रोमणी कमेटी अपने आप के बादल क्या दे हर हुक्म नूं बजाउण दी पाबंद, श्रोमणी कमेटी बादल क्या दी खिलाफ। सो यदा मतलब कि जेडे उस वेले दे जथेदार सी उस सीधे सीधे बादलों के गुलाम से, बादलों की गुलामी नूं भगाउंदिआं बादलों की चापलूसी करदिआं उन्होंने बादल नूं फखरे कौम ते पंथ रतन का अवार्ड दिता। वो पंथ वल्लों दिता होया अहुदा नहीं सी, पंथ वल्लों दित्ती पदवी नहीं सी, वो सिर्फ ते सिर्फ बादलों के मुलाजमान वल्लों उन्होंने दिता गया अवार्ड सी। हुण उस तो बाद भी मतलब सरबत खालसे वेले भी ये जिहड़ा समुची कौम ने फैसला करके पंथ रतन ते फखरे कौम अवार्ड है जिहड़ा बादलों तो वापस लै लिया, उत्थे भी ऐलान किया गया सी। परंतु ये जिहड़ा अरदासी सिंह ने बादलों नूं श्री दरबार साहब च सरोपा देण तो इनकार किया, मैं समझदा कि सही अर्थां दे विच बादल तो वखरे कौम ते पंथ रतन अवार्ड जिहड़ा वापस लैण ते ये सही अर्थां च अज मोहर लगी आ जी, क्योंकि उस अरदासी सिंह ने उस वेले मतलब जदों असीं दर्शनी ड्यूटी दे अंदर
पैर रख लें तो उस तो बाद जो दरबार साहब का हेड ग्रंथी आ मतलब निजमा के अनुसार आ जोड़ा उतों का प्रबंध आ जोड़ा वो चलता है। श्रोमणी कमेटी जी पहला गल की है कि श्रोमणी कमेटी की बर्खास्ती है जी वैसे ही गैर कानूनी बनती है कि उन्होंने श्रोमणी कमेटी का श्रोम उतों तो लैके दरबार साहब तक वो अधिकार खेत्र ही नहीं। सो जी अगली गल मैं कर रहा पहला कि अरदासिया सिंह वालों जोड़ा बादल सरोपा देने तो इनकार किया गया वो ये आ कि वह बादल नू सिख ही प्रवान नहीं करता। सो जिस व्यक्ति नू सिख ही नहीं प्रवान किया जा रहा उस व्यक्ति नू असी पंथ रतन जां फखरे कौम फिर किवें कह सकते हैं। सो सही अर्था दे विच वो जिहड़ा उस जिउंदी जागदी जमीर वाले सिंह ने यह फैसला लिया कि बादल नू दरबार साहब च सरूपा नहीं दिता जा सकता। सो समुची कौम नू उस दे फैसले दे नाल दृढ़ता नाल खड़ना चाहिए उहदे मोढ़े दे नाल मोढ़ा जोड़ के इस वेले मतलब समुची कौम वालों उन्हों अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान करना चाहिए। सो उहदी दृढ़ता नू सलाम करनी चाहिए आ। सो सही मायनियां दे विच जिहड़ी मैं आपां जिहड़ा सवाल आ उहदा ही जवाब आ कि सही अर्थां दे विच अज भाई बलवीर सिंह अरदासिए सिंह ने दरबार साहब के अरदासिए सिंह ने बादलों का जिहड़ा फखरे कौम ते पंथ रतन अवार्ड आ जिहड़ा उहनू पूरी तरह ठुकरा दिता पूरी तरह नकार दिता अज तो बाद मतलब बादल के सिख कहाउण दे असली अर्थां दे विच हकदार नहीं रहे। ताका दरबार साहिब की 32वीं बरेगंढ मौके पंथक आगुआं की फड़ो फड़ी नूं तुसीं किवें देखते हो? देखो भाई एक ओही आ कि साका दरबार साहब आ जिहड़ा ये समुची कौम दे हिरदे चों दिल चों उठण वाली चीज़ का प्रगटावा वा। अज जो असी साका दरबार साहब के शहीदों नूं याद करते हैं उन्हां दी याद नतमस्तक होने तो हर सच्चे सिख के मन चो एक चीज़ जरूर उठती आ कि इस देश की हुकूमत ने एक दुश्मन देश वांगू सिखा दे सचखंड भगती दे केंद्र श्री दरबार साहब ते हमला किया ते वैशियाना ढंग दे नाल सिख संतां दा कतलेआम होया। सो इस याद नू मतलब हर सिख आ जिहड़ा ओ जिवें असीं कहिंदे आ कि ओ एक नसूर बन गया होया सिख दे हर सिख दे मन च जिहड़ा हमेशा टिस टिस आ जिहड़ा ओहदी हुंदी रहिंदी आ ते जदों असीं परेगंढ मनाउंदे आ ते ओ इक डूंघी पीड़ आ जिहड़ी हर सिख दे हिरदे च उठदी आ ते उहदा मन जरूर करदा कि अज दे दिन ओ श्री अकाल तख्त साहब ते जाके उहनां महान शहीदां दी याद उन्हां दी शहादत नूं नतमस्तक होवे। परंतु गल ये आ कि सियासत आ जिहड़ी उह धर्म ते पारू आ हर धिर आ जिहड़ी उत्थे जिहड़े चौधर दी खेड आ मतलब शहादत परे तक के चौधर दी खेड आ जिहड़ी उत्थे खेडी जांदी आ कि बादल धिर वल्लों एक कह दिता कि पिरता कि जी उत्थे सिर ते सिर श्री अकाल तख्त साहब का जथेदार आ कौम दे अपना संदेश पढ़ूगा अरदास होगी होर किसी बोलण की आग्या नहीं तो दूसरिया धिरां नूं मतलब किसी तरह का भी उत्थे मतलब अधिकार खेत्र अधिकार नहीं दिता जाता। हालांकि चाहिए तो यह सी कि ठीक है कि दरबार श्री अकाल तख्त साहब से समुची कौम जुड़े अरदास करे उस तो बाद मंजी साहब दीवान हाल के सारिया पंथक धिरां नूं चाहे पाँच पाँच मिनट का बोलन का समा चाहे वह परची राही कढ़ के मतलब पारदर्शी ढंग नाल उस हिसाब के नाल उन्होंने पाँच पाँच मिनट या दस दस मिनट बोलन का समा जिहड़ा दिता जाए सारिया धिरां की मतलब उत्थे हाजरी लगे कौम का समुची कौम का मतलब ये जिहड़ा ये दिहाड़ा है साडे लई इस नूं हर कोई मतलब अपने ढंग के नाल कौम के सामने जिहड़ा सुनेहा देना चाहुंदा कि सानूं की करना चाहिए आखिर असी कौम कित्थों ते कित्थे आके खड़ गया इस बारे विचार आखिर असी कदों ते कित्थे करांगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਪਲ ਨਾਲ ਉਸ ਲੰਮੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ
मतलब इस संबंधी श्रोमणी कमेटी पहला फैसला लैके एक कौम का सांझा इस प्रोग्राम है जिहड़ा वो लिखना चाहिए, परंतु गल उ आ जाती है कि सारिया धिर ने जिहड़ियां वह नहीं चाहुंदियां कि दूजी धिर है जिहड़ी अगे आवे जां दूजी धिर है जिहड़ी विचार लोगों तक जाण। इस करके श्रोमणी कमेटी अपने शब्द बड़ा मतलब मैनू अपने आप को बड़ा औखा महसूस हो रहा कि उन्हों का जिहड़ा कब्जा है उस कब्जे की आड़ च श्रोमणी कमेटी किसी होर धिर मतलब शहीदों की याद में नतमस्तक नहीं होने दिंदियां। हुंदा की आ श्रोमणी कमेटी रोकण का कोशिश करती है, दूजिया धिरां ने जिहड़ा वो अपनी होंद विखाउण का कोशिश करदियां ने, एक दूजे दियां पग्गां लैंदियां ने, कृपानां लहराईयां जांदियां ने, ते जिहड़ा हिंदूवादी मीडिया जिहड़ा वो दिखाउंदा कि देखो जांगली सिख जी एक पासे शहीदी दिहाड़ा कहिंदे ने, दूजे पासे एक दूजे दियां पग्गां ते कृपानां लहराउण लगे हुए ने। मतलब साडा जिहड़ी इस इतिहासक दिहाड़े की पूर्ण महत्ता है जिहड़ी वो रोल दित्ती जांदी आ, उहदी बजाए वो जिहड़ा साडा उस वेले उत्थे खरूद मचाया वा वो सारी दुनिया के सामने पेश किया जाता कि आ देखो सिखां दी की कारनामे ने। सो इस कारण चाहिए ये आ कि इस संबंधी मतलब सारिया पंथक धिरां ने जिहड़ियां वो जुड़ बैठन, परंतु इस पासे नहीं तुरिया जांदा। तो इस कारण सरकार आ जिहड़ी जिहड़ा तुसीं सवाल किया कि पहलां ही फड़ोफड़ी शुरू कर दित्ती जांदी आ, मतलब किड्डा बड़ा भयानक त्रासदी भी आ मजाक भी आ कि कौम का एडा महान ते भावनावां वाला दिहाड़ा कि धरती दे सचखंड ते अज दे दिन इस देश दी सरकार ने दुश्मनां वांगू हमला किया, हजारां सिंघां दी शहादत हुई, हजारां संगतां दी शहादत हुई, उस शहादत नूं नतमस्तक होण दा अधिकार भी सिखां नूं नहीं। दो दो दिन पहला उन्होंने घर के छापे पै रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही ने, मतलब सिख ने जोड़े वो मतलब बजाए इस दे के श्री अकाल तख्त साहब से जाके नतमस्तक हो थाणियां बैठे ने, हवालातों बैठे ने, अपने घर तो बाहर भज के कितने लोग बैठे ने भी पुलिस गिरफ्तार ना कर ले, मतलब आ पोजिशन आ हालात ने। सो ये हालात जोड़े पैदा किए जाते हैं जी, मैं गल की आ कि हालात पैदा करने वाले कौन ने जिन्हों श्री दरबार साहब दे अरदासिए सिंह ने सरोपा देण तों मना किया। मैं समझदा कि उसने जिहड़ा इन्हां नूं बादलां नूं सिख ना प्रवान करन दा फैसला सुनाया समुची दुनिया नूं, वो बिल्कुल ठीक आ ते टुकमा वो साढ़े सामने आ कि जो कुछ किया जा रहा सी दरबार साहब साके की वरेगंढ मनाउणी आ नतमस्तक होना, तो उल्टा की आ कि सिखां दी फड़ोफड़ी शुरू हो रही। श्रोमणी कमेटी वालों 6 जून नूं मीडिया वालों दरबार साहिब परिक्रमा की कवरेज करन तों कमिश्नर साहिब नूं पत्र लिखे जाते तुसीं कीड़ी टिप्पणी करते हो? देखो बाबा, पहली गल तो यह आ कि दरबार साहिब कंपलैक्स च परिक्रमा जिहड़ी वो तरह हिस्सा है, दरबार साहिब दा हिस्सा कि हर श्रद्धालु आ जिहड़ा वो पहला दरबार साहिब दी परिक्रमा करदा, उस तों बाद मत्था टेकदा दरबार साहिब च जाके। तो दरबार साहब की परिक्रमा का प्रबंध श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने आप प्रवान कर लिया कि पुलिस को सौंप दो जी, मतलब श्रोमणी कमेटी खुद लिख के दे रही है कि आओ जी आ साडी दरबार साहब की परिक्रमा च 6 जून को हुल्लड़बाजी होंदी है जां मीडिया वाले उसकी कवरेज करते हैं, इन्हू आके रोको जी। मतलब श्रोमणी कमेटी ने प्रवान कर लिया ना कि दरबार साहब परिक्रमा का जिहड़ा सुरक्षा का प्रबंध आ वह भी पुलिस ने देखना, मतलब असी अपने आप पुलिस नूं अंदर आउण दा अधिकार आ जिहड़ा दरबार साहब परिक्रमा च अंदर आउण दा अधिकार आ, ते दरबार साहब परिक्रमा च पुलिस आके की करदी आ वो असी अपने आप उहनां नूं लिख के देता कि तुसीं संभो इहनूं जी। अगली गल जिहड़ी मीडिया कवरेज से रोकी गई आ कि दरबार साहब परिक्रमा च जां श्री अकाल तख्त साहब ते मीडिया की कवरेज आ जिहड़ी वो नहीं होनी चाहीदी, उहदे पिछे कारण की आ कि श्रोमणी कमेटी ये धारी बैठी आ, श्रोमणी कमेटी ये गल धारी बैठी आ कि जे पंथक धिर श्री अकाल तख्त साहब ते नतमस्तक होणगियां, शहीदां दी अरदास च शामिल होण दा जतन करनगियां, ते उहनां दे नाल जो कुछ करना जी, जो कुछ करना सूची सिख संगत दा अर्थ समझ गई होगी, वह मीडिया दे विच ना जावे, उहदियां फोटोआं मीडिया दे विच ना जाण, मतलब जिहड़ियां उत्थे जाण वालियां संगतां ने उहनां नूं कुट्टण दा प्रबंध आ जिहड़ा वह पहलां कीता जा चुका, उहनां दीआं पग्गां लाउण दा, उहनां दे डांगा मारन दा, उहनां दे कृपानां मारन दा समुच्चा प्रबंध आ जिहड़ा वह श्रोमणी कमेटी अपनी टास्क फोर्स राहीं करी बैठी आ। ते इस लई श्रोमणी कमेटी चाहुंदी आ कि जो कुछ असी उस वेले धक्का करना
सिख संगता से जबर करना जुलम करना तशद्दुद करना उहदी मीडिया कवरेज नहीं होण देणी। सो इस करके मीडिया नूं 6 जून नूं परिक्रमा तो बाहर रखण की जिहड़ी ये योजना घड़ी गई आ ये बिल्कुल इसका हिस्सा। सो जिहड़ी आपां पहलां गल कीती आ कि बादलकियां दी गुलाम आ श्रोमणी कमेटी, जो बादलकियां वल्लों हुकम आदेश आउंदे ने उहनूं प्रवान कर लिया जांदा, पर इस लई इह नहीं देखिया जांदा कि सिख परंपरावां मर्यादा सिधांतां दा किन्ना घणा घाण हुंदा कतलेआम हुंदा कि श्रोमणी कमेटी खुद लिख के दे रही आ कि परिक्रमा दे विच जिहड़ा सुरक्षा दा प्रबंध आ उह पंजाब पुलिस करे। ठोकर लगे तां बच्चा वी अपनियां अखां खोल लैंदा है, परंतु बादल साहब तुसीं तां हुण बजुर्ग हो चुके हो। सो ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।